तो इस बार मैं माइक के इसलिए नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि लंबा कर दूँ पसीने में थोड़ा सा केला थोड़ा सा क्या होता है अरे खा लो प्रिया के हिस्से का भी तो खाओ लो एक और अभी अभी दोबारा नहीं बांधो। हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंदु अग्रवाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। सो गाइज मॉर्निंग का टाइम है और बज चुके हैं 11:15 और आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाइए रक्षाबंधन और अपने परिवार के साथ अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाइए। और यहाँ पर मैं भी रेडी तो नहीं हुई हूँ, अभी मैं जस्ट नहा कर ही आई हूँ और यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं कपड़े पहनने के क्योंकि आज मैं सूट पहनने वाली हूँ क्योंकि आज मेरा पूरा रक्षाबंधन का दिन घर में ही मनने वाला है। तो इस बार मैं मायके इसलिए नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मम्मी की पापा की तबीयत इन दिनों ख़राब चल रही है। तो मेरे पास कल शाम को ही कॉल आया था कि अर्जेंट में कि ना भाई यहीं पर आ जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। तो इस बार मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इन दिनों वायरल फीवर बहुत चल रहा है, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट पड़ा ही हुआ है। हमारे यहाँ भी खुद सब लोग मतलब बीमार होकर ही चुके हैं, चार लोग तो फीवर आके चला गया है, लेकिन उसका जो अभी असर है ना वीकनेस और बाकी जो सारे सिम्टम्स होते हैं तो वो गला ख़राब खांसी जुकाम सर्दी ये सब चल रहा है। मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी क्योंकि मेरे को भी अभी 10 दिन पहले फीवर हुआ था लेकिन उसका असर अभी तक है, खांसी जुकाम बहुत है। तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, बट भाई दोनों यहीं पर आएंगे राखी बंधवाने के लिए। दूसरा ये हर बारी की प्रॉब्लम हो गई है कि हर बार रक्षाबंधन हो, दौज हो, होली दिवाली कुछ भी हो, भद्रा का असर जो है वो हर बार हम लोगों के त्यौहार पर प्रभाव डालता है जिसके कारण इतना मतलब राखी बांधने में इतना लेट हो जाएगा। मतलब लोग कह रहे हैं कि 1:30-2 बजे के बाद राखी बंधेगी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोगों के फेस्टिवल पे ये ऐसा क्यों होता है। मतलब बाकी और मोमडन्स के त्यौहार होते हैं और भी अदर लोगों के त्यौहार होते हैं उनके त्यौहार पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों के त्यौहार पर क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? बट कोई नहीं, जैसा सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी फिर वैसे ही करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इस बार भाई यहीं पे आ जाएंगे तो यहीं पे राखी बांध लेंगे। और इस बार ननद भी नहीं आ रही हैं क्योंकि उनकी अभी इमरजेंसी आई हुई है, उनकी दादी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इस बार वो भी नहीं आ पाएंगी। तो उन्होंने राखी कुरियर कर दी थी तो वही राखी हस्बैंड और बच्चे और मैं बांध लेंगे हम लोग सब। बाकी हिमांशी दीदी तो आएंगी राखी बांधने के लिए और यहाँ पे हमारा विवान भी आ चुका है, विवान आयान सुबह से तैयार होकर बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, सैड हो रहे हैं, कल से सैड हो रहे हैं क्योंकि हर बार तो इनको जाने को मिलता है नानी के यहाँ और जब से गई भी नहीं है, जब से छुट्टियों में गए थे उसके बाद से गई भी नहीं है एक बार भी। बर्फी खाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आयन आ गया है, थोड़ा सैड हो गया है आयन। चीज 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 कौन सी चीज चाहिए? बिना चीज के तो इनका दिल नहीं कटता। रखो बेटा, मामा जी की बांध देंगे ना, उसके लिए राखी। हमारे बांधो वाली। हाँ आपके भी बांध देंगी, बुआ आएंगी ना अभी। आयान का क्या हुआ फ्रेंडशिप बैंड? आयान क्या हो गया फ्रेंडशिप बैंड में? पापा देखने नहीं दे रहे। आयान की फ्रेंड ने बांधा था फ्रेंडशिप बैंड। पापा ने कहा टीवी देख लो, हम टीवी देखे तो पापा ने रिमोट छीन लिया और हम फोन देखे थे तो फोन छीन लिया। तो बेटा तो चलिए गाइस राखी बांधने में तो अभी काफी टाइम है क्योंकि अभी भाई भी आएंगे तो वो थोड़ा लेट ही आएंगे, 1 बजे तक आएंगे वो लोग भी। ढीले हो गए। मम्मी के भी भतीजे आएंगे राखी बंधवाने के लिए तो वो लोग भी घर पर ही आएंगे, बट 1-2 जगह मम्मी जाएंगी राखी बांधने के लिए मामा जी के घर, तो वो भी अभी लेट ही जाएंगी, दोपहर के बाद ही जाएंगी 2-3 बजे के बाद। तो
तो अभी तो बस वही रेगुलर का काम, खाना वगैरह सब बन गया है। तो बच्चों ने अभी खाया नहीं है, केवल अभी मम्मी जी ने ही खाना खाया है। तो मैं जा रही हूँ आप किचन में, पहले मैं कपड़े ही पहन लेती हूँ, सॉरी, क्योंकि कपड़े अगर मैं पहन लूँगी ना तो एक बार ही मैं, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, तो घर में ही कपड़े पहनूंगी। सूट पहनना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है काम वाम करने में, तो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तब तक देखो भाइयों के आने का टाइम भी हो जाएगा। सो गाइज, मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी, खाना वगैरह सब हम लोगों का हो गया था। तो अभी मैंने बस हल्का फुल्का सा सूट ही पहन लिया है क्योंकि घर में ही रहना है, और बाकी मैंने बाल अभी खुले नहीं किए हैं, जूड़ा ही बना रखा है, क्योंकि बाल खोलना तो बहुत ही मुश्किल है, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी गर्मी में तो वही जूड़ा ही अच्छा लगता है। और बाहर आ चुके हैं मम्मी के भतीजे यानी मामा जी के बेटे, तो अभी अभी जस्ट वो लोग आए हैं, तो मैं जा रही हूँ उनके लिए नाश्ता वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि राखी अभी एक बज चुका है, तो राखी भी थोड़ी बहुत देर में बंधी जाएगी जब तक ये लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। तो मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता लगाने के लिए, विवान मेरे पीछे पीछे चल रहा है। भगवान, ये भद्रा खत्म होगी, एक एक मिनट ऐसे जा रहा है ना कि बस पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी ये भद्रा खत्म हो, राखी बांधते हैं, अब वेट नहीं हो रहा है। एक सवा एक बज चुका है और यहाँ पे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं मामा जी कब आएंगे, फिर मम्मी को भी जाना है मामा जी के यहाँ राखी बांधने के लिए, और गर्मी से तो हाल है ही खराब बहुत यार, पता नहीं क्यों भद्रा लग जाती है हर बार, हर त्यौहार पे भद्रा लग जाती है। गाइस, आपके यहाँ भी क्या ऐसा कोई सिस्टम हो रखा है, क्या ऐसी कोई परेशानी हो रखी है भद्रा की, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर रूम में, बाहर भैया आए हुए हैं, उनकी मम्मी राखी वाखी बांधेंगे, वो नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे आ चुकी है हमारी हिमांशी दीदी, बहुत दिन बाद आ रही है ब्लॉग में। क्या हुआ, गर्मी के मारे हालत है ही खराब है। सो गाइस, भैया तो चले गए हैं और अब मानसी दीदी आ गई है, तो बांधेंगी राखी। चलो ये बांधो भाई, राखी वाखी का कार्यक्रम स्टार्ट करो। बाबू, ओ यार, ये तो सेम सेम राखी लाई है हमारी ऐसी। लंबा कर लूं पसीने में। हटो, पागल से थोड़ा सा केला, अरे खा लो प्रिया के हिस्से का भी तो खाओ, लो एक और। अभी अभी दोबारा नहीं बांधोगी राखी, तब खिलाना उनके हिस्से का। प्रिया जी कहाँ है, ये इसलिए रखी होंगी, कौन सी है, यही है ना, हाँ इसी में होगी, हाँ यही वाली है, सेम सेम है जी। अब ये वाली जाके बांधो तो दोबारा खिलाना है इनको मिठाई, ठीक है। टेप है, टेप वालों, हाँ पूरी सिक्योरिटी से भेजते हैं। इसका एड्रेस दिखाओ, चार चार बंधी हमारी प्रिया दीदी की राखी बांधी जा रही है। काश प्रिया होती, हाँ इस बार आ नहीं पाई, लालो होती, लालो चलो खा ले।
दीवान की राखी भी अच्छी लग रही है, सुंदर सुंदर सी प्यारी सी है ना। ओहो वाह, नाना की राखी अच्छी है। आइए दूसरी बुआ की राखी है। देखा अम्मी, देखा मेरे पति क्यों खिलाया? ये कम खा ले, चल पूरा खा। हाँ तीन तीन राखी बनी है विभू के। अब आयन के भी तीन तीन राखियाँ बनेंगे। अरे बेटा राखी वगैरह सब बन चुकी है। हिमांशी दीदी ने खाना भी खा लिया है और यहाँ पे बैठी। अभी हिमांशी दीदी कॉल पे बात कर रही है, उनकी नानी का कॉल आया है। मम्मी जी हस्बैंड और आयन चले गए हैं, मामा जी की घर पे गई है। तो अभी बस मेरे भाई के आने वाले हैं तो उन लोगों का टीका टीका करेंगे हमारे साथ खाने। सो गाइस हिमांशी दीदी तो चली गई हैं, राखी वगैरह सब हो गया है और बच्चे अभी एक तो चला गया है अपनी दादी के साथ, पापा के साथ, मामा जी के घर पे, लेकिन एक पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। वो गुस्सा होके बैठा यहाँ पे, बेवान गुस्सा होके खड़ा हो गया है क्योंकि उसके दादी और पापा लेकर नहीं गए उसको मामा जी के यहाँ। उसका मन था आज जाने का। कौन से कहाँ से? अमेरिका से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो भाई? नमस्ते जी, आ गए हमारे भाईजान। आज अभी खत्म हुई है। सब गए वो मौसा, वो मामी के यहाँ चले गए। अभी मम्मी गई है ना, वो बद्रा लग रही थी ना आज, तो देर में कर रहे हैं सब काम आज। फिर चलो भैया। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है अब भाई के राखी बांधने के लिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ बाहर इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है अचानक से। मौसम भी अच्छा हो गया है, नम हवा चल रही है बाहर। Thank you.
सुबह यहाँ पे राखी वगैरह सब बन चुकी है और भाई अभी खाना खा रहा है, बड़े भाई ने खाना खा लिया है और पापा जी भी यहाँ पे आ गए हैं। बारिश बंद हो चुकी है, पापा जी अपना सामान लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अभी पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी पहले चाय पियेंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। चाय में एक उबाल आ गया है, अब 2 मिनट और लगेंगे इसको बनने में। और भाई अभी बाहर रूम में खाना खा रहा है, तो बाकी हस्बैंड जी अभी और मम्मी जी अभी आए नहीं है, उनको थोड़ा अभी टाइम लग जाएगा क्योंकि 3 बजे तो वो लोग गए हैं, तो सब जगह से होते हुए जब तभी आएंगी मम्मी जी, अब घर में बीच में नहीं आएंगी। और आयन के तो मजे ही आ गए आज आयन को सब लोगों के यहाँ घूमने को मिलेगा। वेवान बेचारा सैड हो गया है, बट उसने कहा है कि पापा जब आएंगे ना तो मुझे फ्रेंच फ्राइज खिलाने के लिए ले जाना, तो देखते हैं इनकी फरमाइश पूरी होती है कि नहीं होती है वेवान की। सो गाइस शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोगों का चल रहा है फोटो सेशन और हाय गाइस काम से फ्री हो गए हैं। हाय गाइस कैमरे में आने से मना करता है, खुद ही आता है फिर। तो अभी भाई भी दोनों निकलने वाले हैं बस घर के लिए, क्योंकि 6:15 बज रहे हैं, मुझे 6 का याद था। तो यहाँ पे विवान की भी स्टाइल बनना स्टार्ट हो गई, इसको तो वही बालों का इतना शौक है, दिन भर शीशे के सामने बस बाल ही बनाते रहता है। तो भाई जा रहे हैं घर, निकल रहे हैं, तो सामान भी हमने पैक कर दिया है। आराम से जाना, आओ बेटा लगाओ। तो भाई लोग तो जा चुके हैं घर और अभी मैं और विवान रह गए हैं घर में, पापा जी भी हैं, पापा जी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बाहर वाले रूम में, और हम लोग अब बस वेट करेंगे आयन के आने का। विवान तो बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा है आयन के आने का कि कब जल्दी से आए और वो पापा उसको लेकर जाएं घुमाने के लिए, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। वैसे तो अभी शायद उनको थोड़ा टाइम और लगेगा, आएंगे तो सीधा घर पे ही और कर जाएंगे। गाइस यहाँ पे आयन आ चुके हैं और बहुत हैप्पी हैप्पी से लग रहे हैं। अरे ओहो विवान के लिए चीज भी लेकर आए हैं आयन, तो इसमें भी है। अच्छा देखो, ओ बाप रे इतनी पॉकेट भर गई पैसों से, आयन की तो बहुत अच्छी बोनी हुई है आज। बोला चाचू के पापा ने मुझे रोटी पिलाई। अरे वाह तुम्हें किससे दी थी? देख तेरे लिए लाया हूं, इसमें 2 पीस हैं। हमारे आ गए। अरे वाह आज तो आयन की खूब लॉटरी लग गई है बाबू, आज तो आयन के बल्ले बल्ले हो गई है। आज तो आयन की बल्ले बल्ले हो गई है। अरे यार बेचारे को तुम वादा करके तुम मुकर रहे हो। तो सुबह फाटू से हम चलेंगे ना, मेरे संग चलियो, इसको नहीं ले जाएंगे। कल क्या, कल स्कूल जाना है? स्कूल जाना है? हाँ कल ट्यूसडे है। हाँ कल तो स्कूल है इनका सुबह। यहाँ पे विवान लेकर आया है पिज्जा, आज पिज्जा पार्टी करेगा विवान, अपने पापा से फरमाइश की थी पिज्जा की। ओहो टूटू पिज्जा लेके आया है विवान। अरे वाह विवान की तो पार्टी हो गई बल्ले बल्ले। आयन को नहीं मिलेगा पिज्जा, आयन तुम लोग खा लो, आयन तो घूम के आया है ना। अच्छा ये खाओगे फिर, खाना कौन खाएगा? दादी ले लो।
लो। दे दो दादी को। लो। अरे ये दोनों काबू थे तो इसमें यहाँ पे तो विवान फटाफट फटाफट पिज्जा खाने में लगा है, साथ में उसको मिर्च लग रही है, लेकिन वो पिज्जा इतना खाने में मस्त है ना। आज हमने कई दिनों बाद पिज्जा खाया, वैसे और चीजें तो हम लोग खाते रहते हैं लेकिन पिज्जा कई दिनों बाद खाया है। विवान की तो मजे मजे हो गई आज। क्या हुआ, इसको यहाँ रखो, खाली है ये डिब्बा। चलिए गाइस, अभी तो विवान अभी पिज्जा फिनिश कर रहा है अपना, और बाकी आज का हमारा पूरा दिन घर में ही बीता, रक्षाबंधन का। आयन की भी आज बल्ले बल्ले हो गई, खूब घूमने को मिला, और बाकी हम लोग बस अब खाना खाएंगे, उसके बाद भाई डेली का रूटीन। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दादी।